अच्छा भैया, इसमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखना पड़ता है? इसको ऐसे एकांत में रखो जहाँ बच्चे न पहुँच सके, फोड़ फाड़ दिए तो नुकसान हो जाएगा। फिर कहीं बच्चे इसको खोल खाल दिए और हाथ वहाँ डाल दिए तो जलने का संभावना भी रहता हाथ है। जलने का मतलब भैया? और ये गोबर है, गौमूत्र भी काय की है, गर्म चीज है और 7-11 दिन से बंद है तो और गर्मी हो जाता है। इसमें गर्म चीज है इसलिए डाल देंगे तो जलने का संभावना रहता है। 11 दिन के बाद आप कैसे कैसे करेंगे भैया इसको? इसको फिर 11 दिन के बाद इसको खोलेंगे और लंबे डंडी वाले डब्बा हो या बर्तन से छानेंगे, अलग बर्तन में रखेंगे इसको छान के। इसको कैसे छानते हो भैया? छन्ना से, पानी वाले छन्ना से। अच्छा भैया, इसको छान लिए तो इसमें कितना अमृत पानी निकलेगा, कितना लीटर? यार इतने दिन में पानी सौंख भी लेता है कुछ, कहाँ मटका भी। तो छानी चुना 9 लीटर पानी बचता है। भैया ये तो बहुत सरल तरीका है, इसको तो हम भी कर सकते हैं। आप आधा घंटा के अंदर पूरा नीम पत्ती ले आए और फिर गौमूत्र और फिर ये चना के बेसन गोबर वगैरह और पानी, और फिर आप तो आधा घंटा के अंदर इसको मिला के और फिर रख दिए। लेकिन इसको इसको बनने में थोड़ा 11 दिन लगता है, वही है, नहीं तो इसको हम भी कर सकते हैं भैया, सब पूरा किसान कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो सरल है दीदी, लेकिन और भी इसमें काम आते हैं, जैसे फसलों में उकटा रोग लग गया, कई कीड़े में कोड़े लग जाते लाते हैं दवा, वो तो पैसा लगता है। और ये घरेलू उपचार है, उससे अच्छे इसी को कर लेना ठीक है। वो बाजार वाला दवा कभी काम किया नहीं किया, तो ये अपने हाथ का दवा ठीक है। फायदा भी अच्छा, फायदा भी अच्छा है दीदी। रासायनिक नहीं है, जैविक है। हाँ, ये पूरी तरीके से जैविक है और ये अच्छा भी होता है, इसमें कोई चीज नहीं, नुकसानी नहीं है, कोई चीज मिलावट नहीं है। जैसे अच्छी भी थी लगता है भैया, आप तो बहुत अच्छा जानकारी दिए और फिर आप कर भी रहे हैं, तो वैसे अपने और किसान भाइयां हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं भैया? हाँ दीदी, हम तो चाहते हैं कि सभी किसान ऐसे ही करें और फायदा लें। हम तो कर रहे हैं और बता भी सकते हैं जो किसानों को। हाँ भैया, इतना अच्छा जानकारी दे और फिर हम भी सीख लें और थोड़ा बहुत किसान भी जानकारी देवो हम। हाँ, और इतना अच्छा जानकारी बताए और फिर साथ साथ टाइम भी दे। हाँ, लाइक धन्यवाद भैया। राम राम, राम, राम।